खंडवा लोकसभा सीट पर मतदाता का विश्वास एक बार फिर खंडित होता दिख रहा है, क्योंकि एक बार फिर भाजपा ने यहां ज्ञानेश्वर पाटिल के रूप में बाहरी प्रत्याशी खड़ा किया है। बाहरी के इस मुद्दे पर पाटिल को घर यानी भाजपा और बाहर यानी कांग्रेस के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ज्ञानेश्वर पाटिल की स्थिति तुम तो ठेरे परदेसी जैसी हो गई है, और इससे बचने के लिए वह यह वादा तक कर रहे हैं कि चुनाव के बाद वह खंडवा में ही मकान बनाकर रहेंगे। अब ये तो 2 नवंबर की मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि पाटिल के इस वायदे पर क्षेत्र की जनता ने कितना विश्वास किया है। जनहानि ना हो, ठीक है, विकास तो आज नहीं कल भी हम कर लेंगे। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी माताओं बहनों को स्कूटी से जाते हैं तो परेशानी होगी, कहीं जो है कि अमृत योजना का भी काम चल रहा है, कहीं पर सीवरेज के भी काम चल रहे हैं, तो ऐसे जो अनेक काम चल रहे हैं उसकी वजह से सड़कें खुदी है, लेकिन वो भी जल्द से जल्द रिपेयर होगी। अब बड़ी मुश्किल से 2 महीने से थोड़ी गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो अब विधायक जी और हम मिलकर इस काम को भी अंजाम देंगे, और जो कुछ विकास के काम और आप लोगों की अपेक्षा है उस काम पर जो अभी तक नहीं हुआ है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।